सो गाइस पहुंच चुके हम बोंडला चिड़ियाघर और स्काई बोर्ड है सामने और आगे चेकिंग हो रही है, शायद चेकिंग हो रही है, एंट्री जी है। अपने देसी जंगली सूर भैन से चला रहे हैं। सो गाइस हम दादी की हेल्प करा के यहाँ पे मच्छी तल रहे हैं आज, तो दाल दो मच्छी आंटी दादी जी। घी है भाई, बड़ा सुंदर घी, मच्छी डालते हैं। अरे नीचे से क्रॉस होगा, पूरा मेरे को लगता है क्या भरा है इसमें कोयला सा ये। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब, होप आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और संडे आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ बढ़िया सी वीडियो। और आज हम जा रहे हैं भाई जू, जा रहे हैं जू जहाँ भी जा रहे हैं भाई, बाघ चीते देखने जा रहे हैं। सो गाइस अभी काफ़ी गर्मी है गोवा में यार, और मौसम अंदर जून मंथ चल चुका है, गर्मी तकड़े वाली हो रखी है। और एक बात बताऊं भाई, बारिशें शुरू होने वाली हैं और बारिशों में यार इतना मजा आएगा भाई कि पूरे वाटरफॉल छान मारूंगा मैं, जो भी है। लो जी, नए मंदिर की ओपनिंग हुई है, जय श्री राम। चिड़ियाघर है वहां पे, सोच रहा हूँ मैं जाने की, ज्यादा दूर नहीं यहाँ से, पंजिम से है 40 किलोमीटर है पंजिम से, और उसके बीच में मेरे को एक प्यारी सी लोकेशन मिली है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है प्यारी सी लोकेशन, चेक करो यार कितनी बढ़िया लोकेशन है, और यार मतलब मजा आ रहा है यहाँ पे खड़े होने में, प्यारी प्यारी हवा चल रही है। और एक और ब्रिज दिखाई दे रहा है सामने, मैं दिखा दूंगा, शायद वो उसका होगा रेलवे का, ट्रेनें क्रॉस होती होंगी उसके ऊपर से, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं दिखाता हूँ आपको ज़ूम करके। ये गाइस फुल ज़ूम यही है। So guys, निकल चुके हैं मंजिल की ओर, अपना चिड़ियाघर, शेर वेर देखते हैं वहां पे जाके, और सांप सूंड देखते हैं। So guys, यहां पे आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बढ़िया सी एक शिप, बहुत पुरानी शिप है, चलती है। So guys, ये चेक करो कितना पुराना है यार ये। सो ये देखो गाइस, हेलो, हमारे नीचे से क्रॉस होगा, पूरा मेरे को लगता है क्या भरा है इसमें कोयला सा ये। वाओ यार भाई, बंदा बोल रहा है फोटो खींच रहे हो क्या, मैं क्या, हाँ भाई फोटो ले रहे हैं आपका। यो यार अमेजिंग है, अमेजिंग। ये उस साइड निकल जाएगा अभी, वहां से आया। सो गाइस इतना ओल्ड शिप है ये, और इसमें पूरा वो भरा था, ब्लैक कलर का था पूरा, मेरे को लगा कोयले का चूरा पूरा भरा होगा सारा। और वहां पे और काफी सारे पुराने शिप लगे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। सो गाइस वो है शिप, देखो यार कितने पुराने पुराने हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे तो। और ये लोकेशन चेक करो यार, बहुत सेक्सी है भाई। गाइस वेलकम टू बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो चल दे यार, मिल दे आपको जू में। We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. So guys, पहुंच चुके हम बोंडला चिड़ियाघर, और स्काई बोर्ड है सामने, और आगे चेकिंग हो रही है, शायद चेकिंग हो रही है, एंट्री हो रही है। टिकट ले ली है मैंने चिड़ियाघर की, और वहाँ वो है टिकट काउंटर, सिल्वर फीसेंट। सो गाइस है
तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गधा देखने। गधा नहीं यार, खूब मस्ती कर रहे उगी पया मरे काय बरं गेला तो खरी जनावर बिहार या जनावर बोल इंडियन रॉक पाइथन। ये देखो गाइस दो हैं यार, कितने बड़े बड़े हैं भाई। ये देखो एक ये और दूसरा ये है भाई साहब। कैसे उसने अपनी गर्दन छुपा रखी है। तो भाई ये जाने माने अपने तोते। साउंड का काम है तो गाइस ये अपने देसी जंगली सूर भैन च चला रहे हैं। तो गाइस एक बात मेरे को बढ़िया लगी, ये जो ऊपर पानी लाया हुआ है वो लगाया हुआ पानी किन के ऊपर पानी गिरता रहे ठंडक होती रहे, काफ़ी गर्मी है ना तो यार ये पूरा पानी इनके ऊपर गिरता है जैसे शावर टाइप पूरा इनके ऊपर गिरता है देखो। सो गाइस एक बात तो बढ़िया है हमारे लिए तो इंजॉय है तो यार अंदर बैठ के इतने टाइम से इधर ही सड़ रहे हैं बेचारे ठस हो गए, उनको चलना नहीं पता कैसे चलना है, सांप बेचारे ऐसे लेटे हैं हिल नहीं रहे अपनी जगह से, उनको चलना मिलना सब भूल गया है। आज हम दादी की हेल्प करा के यहाँ पे मच्छी तल रहे हैं आज दाम तो मच्छी करती दादी घी है भाई बड़ा सुंदर घी मच्छी डालते हैं।